आज मैं बनाने वाली हूँ रसमलाई, और रसमलाई के लिए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि 110% आपकी रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू, मेरे कुकिंग चैनल अंजूस किचन ढाबा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि संडे और थर्सडे जब मेरी नई वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज मैं रसमलाई बना रही हूँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत छोटी छोटी टिप्स, बारीकियाँ बताई हैं रसमलाई बनाने की, जिससे कि कभी भी आपकी रसमलाई खराब नहीं होगी और बहुत बेहतरीन बनेगी। तो आप जो है कहीं पर स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें। तो देखिए, मैंने रसमलाई के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, रसमलाई का रस, जो कि चीनी की चाशनी नहीं होती बल्कि दूध का ही गाढ़ा रूप होता है, तो इसलिए हमें दूध को पकाकर गाढ़ा करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ गाय का 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसे मैं गैस पर रखकर पका रही हूँ। इसे बस चला चला कर बीच बीच में चलाना है और इसे पकाते जाना है, पका करके दूध को गाढ़ा करना है हमें। जैसे मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, तो इस 1 लीटर दूध को मुझे पका करके आधा लीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा रह जाएगा, तभी मैं गैस बंद कर दूँगी। आपको भी ऐसे ही करना है। क्या होता है, जब दूध ठंडा होता है तो वो और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा रह जाए तभी आप गैस बंद कर दें, ठीक है। और जो है ये इस तरीके से धीरे धीरे उबलना शुरू होगा और हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे तो दूध हमारा नीचे से जल सकता है, इसलिए आप इसे बीच बीच में चलाते रहें और दूध को अच्छे से पकाएं। और जब पक जाएगा हमारा दूध, तब हम 5 मिनट बीत जाने के बाद, जब हमारा 5 मिनट हो जाएगा दूध पका हुआ, उसके बाद हम इसमें केसर मिलाएंगे। इसमें मैंने बहुत विस्तार से आपको बनाकर बताया है। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, पर इसलिए हुई है ताकि आप इसकी हर एक बारीकियों को समझ सके। कई बार क्या होता है, हड़बड़ी में बता देने से कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, तो बनाते समय हमसे गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो मैं चाहती थी कि आप इसको जब बनाएं तो आपसे कोई गड़बड़ी ना हो, बहुत अच्छे से आप इसको सीखें और बहुत अच्छे से बनाएं। और सच मानिए, बहुत ही अच्छी रसमलाई बनकर तैयार होगी। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, मेरे बताए गए टिप्स ट्रिक्स अपनाएंगे, तो बिल्कुल आपका बहुत ही बाजार जैसा, बिल्कुल जैसा हलवाई बनाते हैं ना, वैसे ही एकदम टेस्टी रसमलाई बनाकर आप तैयार करेंगे, बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है दूध उबलते हुए। अब मैं इसमें एक चुटकी, एक पिंच, जितना चुटकी भर में आता है ना, इतना बस ऐसे, और थोड़े बहुत 2-4 धागे हैं केसर के, वो हम इस दूध में मिला देंगे। इस तरीके से देखिए, मैं केसर डाल रही हूँ, ऐसे ही केसर 5 मिनट जब दूध उबल जाएगा उसके बाद हम इसमें केसर मिला देंगे, सैफ्रन जिसे बोलते हैं। बस आप देख रहे हैं, दूध में डालते ही दूध का कलर चेंज होने लगा है। ये देखिए, केसर डालते ही दूध का कलर केसरी सा होने लगा है। रसमलाई होती है ना केसरी कलर की, पीली पीली सी, बस ये केसर डालने से ही आता है, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप दूध में डाल देंगे तो दूध का कलर तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन इसका जो स्वाद होता है ना, ये रसमलाई में बहुत अच्छा लगता है, तो आप केसर ज़रूर डालें। ये देखिए, केसर डाल के फिर से मैं इस दूध को पकाऊंगी अच्छे से। ये देखिए, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए, मेरा दूध अब गाढ़ा हो गया, बस ऐसे ही गाढ़ा हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा आधा लीटर से अभी थोड़ा ज़्यादा रह गया है, मतलब जितना हम दूध चढ़ाते हैं उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा रह जाए, इतना हमें दूध पकाना है। बस अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, इसमें 4 बड़े चम्मच, 4 टेबल स्पून आपको चीनी डालना है। ज़्यादा मीठा ना डालें, क्योंकि अभी जो हम रसगुल्ले बनाएंगे ना इसमें डालने के लिए, उसमें ऑलरेडी चीनी होगी, तो ये काफ़ी मीठा हो जाएगा। तो 4 बड़े चम्मच इसमें काफ़ी है चीनी, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी डाल करके इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। गैस एकदम स्लो पे रखें, क्योंकि अब दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है और इसे बस 2-4 मिनट ही अब हमें पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये चीनी घुल जाए और थोड़ा सा पक जाए बस, उसके बाद हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। आप इसमें गुलाब जल या केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे यहाँ इलायची का टेस्ट पसंद किया जाता है, तो मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, और गैस बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ गैस पर 1 लीटर गाय का दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने रस के लिए और
छेने के लिए, जो रसगुल्ले बनाऊंगी ना दोनों के लिए मैंने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। कोशिश करिएगा कि आप भी गाय के ही दूध का इस्तेमाल करिए, इससे रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल इतनी गारंटी है कि अगर गाय का दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपके छेने कभी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो अगर आप हो सके तो गाय के का ही दूध इस्तेमाल करें। अब जब हमारा दूध उबल जाएगा तो हम इसे फाड़कर इसका छेना बनाएंगे। ये देखिए मेरा दूध गर्म हो रहा है, जैसे ही ये गर्म होगा बस मैं इसमें विनेगर डालकर इसका छेना फाड़ लूँगी। ये देखिए मेरा दूध उबल गया है, बस इतना ही गर्म करना है दूध को। अब मैं इसमें ये जो वाइट विनेगर आता है ना, जिसे चाउमीन और हाँ ये चाउमीन वगैरह में जो हम डालते हैं, बस यही वाला विनेगर आप इसको इसमें मिला दें। यहाँ मैंने देखिए 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर डायरेक्टली डाला है। अगर आप चाहें तो विनेगर और पानी बराबर मात्रा में मिलाकर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखिए 1 बड़ा चम्मच डाला। अब मैं इसे धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ ना, बस ऐसे ही आप भी मिक्स करिए। फिर से 1 बड़ा चम्मच विनेगर मैं लूँगी और इसमें मिला दूँगी, ये देखिए बस। और फिर धीरे धीरे चलाऊँगी, गैस मेरा एकदम स्लो पे जल रहा है। जब दूध से छेना और पानी अलग होने लग जाएगा तब मैं गैस बंद कर दूंगी, ये देखिए। अगर मान लीजिए आपका दूध ना फटे तो आप घबराए नहीं, थोड़ा सा और विनेगर उसमें मिक्स कर दे, बिल्कुल आपका जो है दूध बहुत अच्छे से फट जाएगा और बहुत अच्छा छेना निकल कर आएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये देखिए मेरा दूध अब फटने लगा है ना, छेना और पानी अलग, ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, ये देखिए। अब बस हम इसी स्टेज पर अपना जो है ना गैस बंद करके और इस छेने को छान लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट छेना निकला है। एक छन्नी में मैंने सूती का कपड़ा बिछा दिया है, अगर आपके पास सूती का कपड़ा नहीं है तो आप डायरेक्टली छन्नी में भी छान सकते हैं, मेरे पास है तो मैंने ये इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरीके से छान लेंगे और ऊपर से 1 गिलास साफ पानी डाल देंगे ताकि विनेगर की खटास निकल जाए, ये देखिए। अब मैं इसे इस तरीके से हल्के हाथों से दबाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है तो मैं इसे दबा दबा कर जो इसका पानी है ना ये निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए लटका कर कहीं भी छोड़ दें, इसका सारा पानी निकल जाएगा, लेकिन मुझे जल्दी बनाना है तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं दबा दबा कर इसका अच्छे से पानी निकाल रही हूँ। गर्म है तो मैं सावधानी से निकाल रही हूँ, थोड़ा ठंडा पानी और डाल दूँगी तो ये और ठंडा हो जाएगा। ये देखिए मैंने जितना हो सके निकालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रख दिया है, ये देखिए बिल्कुल पानी निकल गया है। अब मैं छेने को प्लेट में रख रही हूँ ताकि मैं इस छेने को बहुत अच्छे से, बस यहीं पर बहुत बड़ा टिप्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, आपको इस छेने को इतने अच्छे से मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जब आप इसे चाशनी में डालें ना बिल्कुल ना फटे। इसके लिए क्या करना है देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आपको इसको हाथों से मिक्स करना है ऐसे, ये देखिए ऐसे, जैसे मैं अपने हाथों को ये हिस्सा इस्तेमाल कर रही हूँ, बस ये वाले हिस्से से आपको इसको ऐसे मलना है बिल्कुल इस तरीके से। और इसे आपको 20 मिनट इसे मिक्स करना ही करना है, इसमें कोई आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको छेने को 20 मिनट मिक्स करना है। अगर आप 20 मिनट छेने को इस तरीके से मिक्स करेंगे ना, आपका छेना जो है ना जब आप चाशनी में डालेंगे रसगुल्ले कभी भी नहीं बिखरेगा, कभी भी नहीं टूटेगा, बहुत अच्छा रसगुल्ला बनकर निकलेगा आपका, देखिएगा। बस इस तरह जैसे मैं बोल रही हूँ ना ऐसे पिछले हिस्से से हाथ के, बस ऐसे 20 मिनट इसको, मतलब यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको मिक्स करना है तो करना है, 20 मिनट आप इसको मिक्स करिए बहुत अच्छे से और देखिए आपके रसगुल्ले इतने बढ़िया बनेंगे कि मैं क्या बताऊँ। बस ऐसे मिक्स करते जाइए आप इसको, बस ऐसे 20 मिनट तक मैं इसको मल रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट नर्म एकदम बनेगा। और इधर चाशनी के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, मेरे पास इडली मेकर वाली कढ़ाई चौड़ी है तो मैंने वो ले लिया है। और मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी, वजन से कहें तो 300 ग्राम, ये डाल दिया है। अगर आपके पास जो भी चौड़ी कढ़ाई, पतीला, भगोना जो भी है आप वो ले सकते हैं, पर वो थोड़ी चौड़ी हो और बड़ी हो। ये देखिए अब मैंने यहाँ
कप पानी मिला दिया। आप 6 कप पानी ज़रूर मिलाएं, क्योंकि क्या होता है ना, चाशनी उबलते उबलते गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए 6 कप पानी ज़रूर डालिएगा। रसगुल्ले में जो चाशनी होती है वो पतली होती है, तो रसगुल्ला अच्छा होता है। तो 6 कप पानी मैंने यहाँ मिक्स कर दिया है और इसे अब उबलने के लिए स्लो आँच पर मैं रख दे रही हूँ। ये चीनी घुल जाना चाहिए, ज़्यादा हमें इसे नहीं उबालना है। कोई चाशनी तार वाली नहीं बनानी है, कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाना चाहिए। वो अपना हो रहा है, चलिए अब हम अपना ये छेना जो है, हमने जो मल मल कर इसको बिल्कुल सॉफ्ट बना लिया ना, जब आप इसको मलेंगे ना 20 मिनट, तो ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आपको छूने पे ही समझ में आ जाएगा कि आपका जो छेना है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। वो टच करने पे सॉफ्ट, वेट अब जब करेंगे तो वो हल्का, ऐसे इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अब बॉल बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे रसगुल्ले के। देखिए इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रखना है। नींबू जो होता है ना, उससे छोटा हमें जो है बॉल बनाना है। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध से लगभग 12 से 13 रसगुल्ले बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए बीच हथेली में रखेंगे और ये ऐसे गोल गोल करेंगे और बीच में हल्का सा प्रेस कर देंगे, क्योंकि रसमलाई क्या होती है, थोड़ी चपटी होती है, पूरी गोल नहीं होती, थोड़ी चपटी होती है। और चूँकि हम बाजार जैसे ही बना रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको शेप देंगे। ये देखिए ऐसे मैंने इस तरीके से गोल किया और इसे अब दबा लूँगी, बीच में हल्का सा प्रेस करके इसे दबा लूँगी। ये देखिए ये जैसे साइड में आपको लग रहा है फटी है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, हमने 20 मिनट इसको अच्छे से मला है, इसे मिक्स किया है, तो ये बिल्कुल भी चाशनी में जाने के बाद टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, बहुत अच्छे रसगुल्ले बनेंगे। तो आप इस तरीके से बीच हथेली में रखकर गोल गोल करें और उसे हल्का सा प्रेस कर दें, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही, बस हल्के हाथों से ऐसे ऐसे गोल करें और हल्का सा प्रेस करें। ये देखिए इस तरीके से, बस ऐसे ही करके सारे जो हैं बॉल हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब देखते हैं चाशनी का हाल। ये देखिए मैंने स्लो पे रख दिया था तो ये धीरे धीरे हल्का हल्का घुल रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको फुल फ्लेम पर कढ़ाई रखेंगे और चाशनी बनाने के लिए जो चीनी है ना, ये पूरा घुल जाना चाहिए, बस इतना ही हमें चाशनी। और इसमें जब हम फुल फ्लेम पे गैस रखेंगे तो उबाल भी बहुत तेज आएगा, तो जब ये बहुत तेज उबलेगा, जब फ्लेम जो है आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है, आप एक बार फ्लेम आप हाई करके जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आप बिल्कुल स्लो मत करिएगा, है ना, बिल्कुल रसगुल्ले फुल फ्लेम पे बनेंगे। ये देखिए 1 चम्मच मैंने यहाँ दूध डाल दिया। दूध डालते समय मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो ये मैंने इसलिए डाला है कि अगर चीनी में कोई गंदगी हो तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है झाग से के साथ में, लेकिन अगर चीनी गंदा नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया, देखती हूँ, मेरी चीनी तो वैसे साफ़ थी तो गंदगी नहीं आएगी। ये देखिए कोई गंदगी नहीं आई है, फिर भी मैंने डाल दिया था, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ये देखिए अब जैसे फुल फ्लेम पे उबाल आ गया, अब हम एक एक करके जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ऐसे ही आप भी अपने रसगुल्ले उसमें डालते जाइएगा इस तरीके से। ये देखिए, और फ्लेम कभी भी स्लो मत करिएगा, मीडियम मत करिएगा, बिल्कुल हाई फ्लेम रखिएगा गैस की, इस तरीके से। और एक एक करके अपने सारे रसगुल्ले डालिएगा, क्योंकि क्या है ना, अगर हम एक साथ सारे रसगुल्ले डाल देंगे तो क्या होगा, चाशनी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, हमारे रसगुल्ले टूटने का डर है, बिखरने का डर है। तो आप फुल फ्लेम पे एक एक करके सारे रसगुल्ले आराम से डालना, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे आपके रसगुल्ले, बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए एक एक करके जैसे मैं डाल रही हूँ, बस ऐसे ही आप डालते जाना ऐसे करके, और फिर इसे हम 9 मिनट खुले में पकाएंगे, बिल्कुल ढककर नहीं डालेंगे, 9 मिनट हमें इसे खुले में पकाना है। ऐसे देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने एक एक करके सारे रसगुल्ले अपने चाशनी में डाल दिए हैं और इस तरीके से उबल रहा है, फ्लेम बिल्कुल हाई है। मैं आपको बहुत विस्तार से बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल कहीं पर भी कोई चीज़ ना चूके और आप बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाकर तैयार करें। ये देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कलछी है ना, इससे मैंने ये गर्म चाशनी इनके ऊपर धीरे धीरे करके ऐसे डाला है, ऐसे आप भी डालना। ये बस 2 से 3 मिनट आपको करना है, बस इतना ध्यान रखना कि जब आप ये डालोगे ना तो ये रसगुल्लों में टच नहीं होना चाहिए आपका चम्मच, इस तरीके से। जहाँ पे खाली जगह लग रहा है ना, मैं वहाँ से चाशनी उठा रही हूँ और बस रसगुल्लों के ऊपर डाल रही हूँ। ये ज़्यादा देर नहीं, बस 2 से 3 मिनट हमें करना है, फिर इसे छोड़ देना है फुल फ्लेम पे, खुला ढक्कन नहीं डालना है, और 9 मिनट के लिए हमें इसे उबलने के लिए छोड़ देना है। बस इस तरीके से आप इसे छोड़ देंगे और 9 मिनट उबलने देंगे फुल फ्लेम पे। ये देखिए इस तरीके से
ये देखिए 9 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना, ऐसे बहुत अच्छे रसगुल्ले आपके भी बनकर तैयार होंगे। ये देखिए 9 मिनट के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, ढक्कन डालेंगे ऊपर से, हम इसको कवर, ये देखिए मैंने कवर कर दिया ऐसे, आप भी कवर करके इसे अब 6 मिनट पकाना है, सिर्फ 6 मिनट। ये देखिए 6 मिनट के बाद देखिए रसगुल्ले कितने अच्छे बड़े बड़े फूल कर जस्ट डबल साइज़ के हो गए हैं ना, कहीं कोई टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, बहुत अच्छे रसगुल्ले बने हैं। ऐसे ही बस 6 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन हटाएंगे और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है ना, ये देखिए सारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बने हैं। आप भी ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाना, आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही बढ़िया। एक एक करके हम सारे रसगुल्ले धीरे धीरे एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ सारे रसगुल्ले कितने अच्छे बने हैं, ये देखिए। अब मैं एक एक करके अपने सारे रसगुल्ले एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। आराम से निकालिएगा, गर्म है ना, हाँ, ताकि टूटे नहीं, वैसे तो टूटेंगे नहीं, फिर भी उसको थोड़ा सावधानीपूर्वक हम इसको निकालेंगे और जो भी एक्स्ट्रा रस है उसको हम निकालेंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने नरम बने, कितने सॉफ्ट बने हैं, है ना। अब जो भी एक्स्ट्रा रस है हम इसको इसमें वापस डाल देंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले सारे निकल, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब बस जो दूध हमने पका कर रखा था ना वो अब हम इसमें डाल देंगे और फिर क्या, फिर हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए जब आप वो दूध का जो हमने गाढ़ा पका कर रखा है ना, ऐसा नहीं है कि वो गर्म हो, बस वो नॉर्मल टेम्परेचर में है तो भी चलेगा, आप आराम से उसमें डाल देना। हमारे रसगुल्ले तो अभी गर्म हैं तो वो आसानी से उसको सोख लेंगे। बस ऊपर से इसे डाल देंगे इस तरीके से, देख रहे हैं, बस ऐसे ही। और देखिए कितने अच्छे हमारे रसगुल्ले, और जब ये रसमलाई बनेगी ना, सच बता रही हूँ, जब आप खाएंगे ना आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। आप इस रसमलाई को त्योहारों में, घर पे मेहमान आने पर, या अभी गर्मियाँ हैं तो आप जो है ठंडी ठंडी रसमलाई खाइए, इतने अच्छे लगते हैं मैं क्या बताऊँ। अब बनाइए और खा कर बताइएगा कि कैसे बने आपके रसमलाई। ये देखिए इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तुरंत बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारी रसमलाई तैयार है, ये देखिए, खाइए और मुझे बताइए आपकी रसमलाई कैसी बनी है।